मैं आज बात करना चाहता हूँ डायबिटीज के क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, किन लोगों में डायबिटीज होने का चांस ज्यादा रहता है। जो टाइप 2 डायबिटीज है वो बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिजीज होता है। लाइफस्टाइल मतलब जो है ना, ये जो हमारे जो डे टू डे खाना पीना एक्सरसाइज ये सब जो है उसके साथ कई हद तक यू नो एसोसिएटेड रहता है। तो अगर हमारे लाइफस्टाइल ठीक नहीं होंगे, हमारे वजन बढ़ जाएंगे, हमारे एक्टिविटीज कम रहेंगे, आपको वेट ज़्यादा होंगे, तो ऐसे केसेस में टाइप 2 डायबिटीज होने का चांस ज़्यादा रहता है। और देखा जाता है किसी को अगर फैमिली हिस्ट्री है, मतलब माँ बाबा भाई बहन किसी को शुगर डायबिटीज के प्रॉब्लम है, तो टाइप 2 डायबिटीज में फैमिली हिस्ट्री बहुत कॉमनली एसोसिएटेड रहता है। टाइप 2 डायबिटीज ज़्यादातर 40 के बाद की उम्र में होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज के साथ हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, और ये सब मिलकर के हार्ट डिवेलप करने के ज़्यादा चांसेस रहता है। इसलिए टाइप 2 डायबिटीज के साथ हार्ट डिजीज का एसोसिएशन काफ़ी कॉमन है, और ये अगर हम ठीक से कंट्रोल ना करें तो उसके कॉम्प्लिकेशन से गुर्दे आँख नर्व्स ये सब डैमेज हो सकते हैं। तो लाइफस्टाइल को ठीक से मेंटेन करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बीमारी को रोकने में।